सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं एक इंडो चाइनीज रेसिपी जिसका नाम है गोभी मंचूरियन। ये रेसिपीज बच्चों को खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो और इस रेसिपी को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो मंचूरियन की बॉल्स हैं वो बनाएंगे, तो उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये एक मैंने मीडियम साइज़ का गोभी जो कि तकरीबन 800-850 ग्राम का था वो लिया है, और उसके मैंने छोटे टुकड़े, बहुत बड़े नहीं, मतलब मीडियम साइज़ के ये टुकड़े इस तरह से तोड़ लिए हैं। अगर ज़्यादा बड़े फ्लोरेट्स हैं तो आप उनको इस तरह से दो टुकड़ों में काट भी सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से धो के छन्नी में डाल दिए थे। थोड़ी देर मैंने इनको नमक के पानी में भी भिगोया था, क्योंकि अगर कोई गंदगी हो, कीड़ा हो, तो वो निकल जाता है। अब ये बिल्कुल साफ़ है। उसके अलावा मैंने लिया है 1 कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास चावल का आटा भी नहीं है तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर भी आपका मैदा ही आपका काम में आ जाएगा। इसके अलावा ये हमने लिया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हमने लिया है सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है, 1/2 टीस्पून हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड चिली का पाउडर। सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल और उसमें डालते हैं मैदा, कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च, रेड चिली, सॉल्ट, सोया सॉस और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और डालते हैं इसमें थोड़ा सा पानी और इसका थिक सा बैटर बना लेते हैं। बस थोड़ा ही पानी डालेंगे, 2-3 टेबलस्पून के करीब बस, फिर हम गोभी डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर लेंगे। अभी थोड़ा सा और पानी जाएगा। तो देखिए हमने ये थिक सा बैटर तैयार कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर गोभी, पहले थोड़े डालते हैं, मिक्स कर लेते हैं, और अब और डाल लेते हैं। इस तरह से हम सभी मिक्स कर लेंगे। अच्छी सी कोटिंग आ जानी चाहिए हमारी गोभी के ऊपर। तो देखिए हमने गोभी में बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इधर हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, क्योंकि हमने गोभी को पहले से बॉईल नहीं किया था। अगर हम गोभी को पहले से बॉईल कर लेते तो फिर हम तेज़ आंच पर गोभी को फ्राई करते, लेकिन क्योंकि हमारा गोभी कच्चा है इसलिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। तो पहले मैं डालती हूँ 1 गोभी का टुकड़ा और टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ जो कि ठीक है। इस तरह से मैं एक एक करके सभी गोभी के पीसेस थोड़ा दूर दूर डाल देती हूँ। तो एक बैच के हमने मंचूरियंस को डाल दिया है। अब हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि गोभी अच्छे से बाहर से क्रिस्प और अंदर से गल नहीं जाती है। तो देखिए हमारे मंचूरियन फ्राई हो गए हैं, अच्छा कलर भी इनके ऊपर आ गया है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है मैंने इनको ताकि अच्छे से अंदर तक से पक जाएं। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए। इसी तरह से हम बची हुई जितनी भी हमारी गोभी है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो
तो हमारी मंचूरियन की बॉल्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी जो सॉस बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम लेके मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। 3 स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स लेके इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सोया सॉस और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है फाइनली चॉप्ड लहसुन। उसके अलावा मैंने ली है 1 टेबलस्पून हॉट सॉस या रेड चिली सॉस। उसके अलावा शेजवान चटनी भी मैंने 1 टेबलस्पून ली है। 3 टेबलस्पून मैंने लिया है टमाटो केचप, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 ही टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर का पाउडर। उसके अलावा मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई है, तो उसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लेके 1 कप पानी के अंदर इसको अच्छे से घोल लिया है। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल, नमक, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर अब मैं डालूंगी गार्लिक। गार्लिक को थोड़ा सा मैं फ्राई होने दूंगी जब तक कि इसका फ्लेवर ऑयल में रिलीज नहीं हो जाता। अब डालूंगी इसमें कैप्सिकम और कैप्सिकम को मैं 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूंगी। इससे ज़्यादा हम इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका क्रंच चला जाता है। तो 2 मिनट हो गए हैं हमारे कैप्सिकम को फ्राई होते हुए। फ्लेम हमारी मीडियम टू हाई रहनी चाहिए। जितनी भी चाइनीज़ कुकिंग होती है उसकी फ्लेम जो होती है वो हमेशा हाई रहती है। अब मैं डालूंगी इसमें स्प्रिंग अनियन ग्रीन, थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए रोक लूंगी। 1 मिनट इनको भी फ्राई कर लेती हूँ। हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, हॉट सॉस, शेजवान चटनी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। सोया सॉस, विनेगर और टमेटो केचप। तो सॉसेज हमारी अच्छे से पक गई हैं। 1 मिनट हो गया है इन्हें पकते हुए। अब हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। तो देखिए हमारा कॉर्नफ्लावर अच्छे से पक गया है और कितनी अच्छी शाइन आ गई है सॉस पर। अब हम डालते हैं अपनी मंचूरियन की बॉल्स, मिक्स करते हैं बहुत हल्के हाथ से। तकरीबन 1 मिनट हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे और हमारी गोभी मंचूरियन तैयार हो गई है। तो देखिए तैयार है हमारा गोभी मंचूरियन, रेस्टोरेंट स्टाइल बना है, बहुत ही टेस्टी है। इसका लुक आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।